क्या मध्य प्रदेश में बिजली महंगी हो रही है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जाएगा? कहा जा रहा है कि अभी जो बिजली 6.5 रुपए प्रति यूनिट मिल रही है वह बढ़कर 10 रुपए यूनिट तक हो जाएगी। यह भी पता चला है कि केंद्र सरकार का इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 और नई टैरिफ पॉलिसी लागू हुई तो बिजली की दरों में जो सब्सिडी मिल रही है वह समाप्त हो जाएगी। और यही वजह है कि अगर ये समाप्त होती है तो फिर 10 रुपए प्रति यूनिट की बिजली आम लोगों को लेना पड़ेगी। 2003 में प्रदेश में बिजली बोर्ड को भंग करके कंपनीकरण किया गया था, लेकिन अब बाद में इसे प्राइवेट कंपनियों में बदल दिया गया। अब स्थिति यह है कि प्रदेश की जो बिजली कंपनियां हैं वे 36,000 करोड़ के घाटे में चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जो गरीबों को बिजली दी जा रही है तो फिर सामान्य वर्ग के लिए ये रेट लागू क्यों होंगे? इस बारे में गौतम कोठारी, जो कि पीतमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका भी यह कहना है कि जब दिल्ली मेट्रो को 2.97 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल सकती है तो इंदौर के उद्योगों को भी 7.5 रुपए का रेट क्यों लिया जा रहा है? उनका यह भी कहना है कि बिजली में 18-22% के लॉसेस हो रहे हैं। यह भी एक बात कही जा रही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार गरीबों को बिजली देना सरकार की बाध्यता है, लेकिन इसके साथ ही सामान्य वर्ग को भी बिजली ठीक भाव में मिलना चाहिए।